बदौरिया रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में एफआईआर मजाक बनकर रह गई है, किसी के खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। यदि ऐसे हालात बने रहे तो पुलिस लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा पुलिस पर। और रमन सिंह ने कहा है कि राज्य के सभी क्षेत्रों में कानून की स्थिति बदतर हो गई है, पुलिस पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अब तक 8 लोगों की कस्टडी में मौत हो चुकी है, पुलिस का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। में कानून की स्थिति जितनी बदतर होती जा रही है, पुलिस का पूरा राजनीतिक उपयोग हो रहा है कि इसको कैसे फंसाया जाए, इसके खिलाफ एफआईआर तो ऐसा मजाक हो गया है कि किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई भी एफआईआर हो सकती है। ऊपर जो कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा, ये तो फिक्स टेन्योर होना चाहिए ऐसे इलाके में काम करने के लिए, योग्यतम अधिकारी जाए और उनको 2 साल का फिक्स टेन्योर हो, राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर जब तक पुलिस काम नहीं करेगी तब तक ये हालत जो बिगड़ रहा है। बालोद के